ये गाड़ी में पूरा जन्नत वाला सीन देता है आपको, क्योंकि मैंने कई बार आपको इसकी आवाज़ सुना रखी है। और ये चीज़ ही अलग है ना, मतलब देख रहे हो चीज़, ये देख रहे हो कितनी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। ये वाला जो गेट है ना, सच में बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहा है बिकॉज ऑफ दिस कलर। और 50,000 में रेडी करा के रेडी करा के जाना। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? तो भाई मैं फिर से हूँ कार बीच पे और आज आपके सामने है फिर से एक और ग्रैंड विटारा। लाइन ही लाइन लगा देते हैं, मेरे को लगता है हम डेली हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाई, हर 2-4 दिन में हमारी 5 दिन में वीडियो आती है और जो कि धमाका कर देती है। आज हम क्या क्या दिखाने वाले मंजे भाई? ये भाई आज 5 गाड़ी की लाइनअप है, तो डिफरेंट कंटेनर सारी गाड़ियों में, ठीक है, डिफरेंट रेट पे डिफरेंट काम है। ओके, तो आज सारी गाड़ियों के डिफरेंट काम और डिफरेंट रेट। अच्छा, सारे गाड़ियों में कौन से, मतलब क्या बोलेंगे, वेरिएंट सारे सिग्मा ही हैं या फिर अलग अलग भी है? भाई एक डेल्टा है, हाँ, बाकी सब सिग्मा है। अच्छा, टोटल गाड़ी कितनी आ रखी है अभी फिलहाल? एक करके भेज दिए भाई, हाँ, अभी 4 गाड़ी खड़ी है। 4 गाड़ी खड़ी है, तो 4 गाड़ी भी कम नहीं होती भाई एक साथ आपको दिखाने के लिए। ये अपना डेल्टा वेरिएंट है, ये डेल्टा वेरिएंट, ये डेल्टा, बाकी सिग्मा हमारी बाकी सब पार्किंग में, बाकी सब सेफ काम चल रहा है। ये चल रहा बिल्कुल शॉप के सामने, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा कुछ काम था नहीं। इसके अंदर बेसिकली क्या क्या था भाई? इसके अंदर अभी 6 पीस का किट है और छोटे मोटे इंटीरियर के अंदर काम है, हाँ। और दूसरा मेन इसमें भैया ने डेल्टा में अपना स्पीकर अपडेट कराया है, जो मॉडल के अंदर कंपोनेंट एंड कोएक्सल के साथ, ठीक है। दूसरा इसके अंदर सॉफ्ट टच वगैरह है, हाँ, जो डोर पैनल सॉफ्ट टच है विद ग्लॉसी के साथ, ठीक है, ये काम है। तीसरा एक सीट पर उसका, मैं कह रहा हूँ भाई, जो भाई लोग आप आते हो ना, तो आप यार कंपनी वाला सॉफ्ट टच पे मत जाओ, कुछ कलर वलर चेंज कराओ, नीले पीले लाल कराओ, कुछ अपने हिसाब से टेस्ट बताओ, भाई लोग करके देंगे आपको। इंटीरियर आपका ना इससे भी ज्यादा बढ़िया लगेगा, एनहांस रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो जेन्युइन वाला है। मैं कह रहा हूँ नीला व्हाइट होता है, रेड होता है, ऐसा कुछ कराओ इंटीरियर में ना, थोड़ा ऑलरेडी अलग हटके लुक। एक सिग्मा में टैन कलर का कॉम्बिनेशन है, हाँ, जो आज मेन वीडियो उसी पे रखने वाले, उसी पे रखने वाले। बाकी ये सारी गाड़ियां है, तो सारी डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, डिफरेंट कलर है, बहुत बढ़िया। और उसके बाद भाई जो हम स्पीकर वगैरह लगा रहे हैं भाई, ये मॉरल के कॉम्पोनेंट है, ठीक है, MK3 जो हमारी सीरीज रहने वाली भाई, ठीक है, और बढ़िया डेल्टा की आवाज तो भाई आप लोगों ने सुनी हुई है, मैंने कई बार आपको इसकी आवाज सुना रखी है। और ये चीज ही अलग है ना, मतलब देख रहे हो चीज अलग ही दिखती है भाई, विदाउट एम्पलीफायर इससे बेटर स्पीकर साउंड कोई नहीं दे सकता। हाँ, मैं चैलेंज करता हूँ सारी कंपनी को, अगर मॉरल में बगैर एम्पलीफायर साउंड निकाल, कोई और है जो ग्रैंड विटारा है मॉरल जैसी कंपनी यूज कर रहा हो आज की डेट में? नहीं, अभी की डेट पे ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप जा सकते हो, आपके पास अगर कोई बजट बनती है एम्पलीफायर की, तो मेरे पास ऑडिशन है, ठीक है, ईवी है, और इसके अलावा स्टैग है, अलग अलग कंपनी आपके पास बहुत अच्छी रिफरेंस है। अच्छा, एक चीज पूछना चाहूंगा, इसमें जो अलॉय डले हुए हैं, ये पहले से डले हुए? ये पहले से भैया का डेल्टा में डला हुआ था, पर अभी भी अलॉय अपडेट अपने पास अवेलेबल है, आप दिखा सकते हो अलॉय। देखो भाई ने यहाँ सजा भी दिया है, और ये अपने किसी गाड़ी के उतरे होंगे, जो गाड़ी से उतरे हैं अभी, ठीक है, अभी अलॉय शोल हुए 2 गाड़ी में। अच्छा, जो उतरे हुए ये रखे, ठीक है। बाकी प्राइसिंग के लिए भाई, अलॉय की प्राइसिंग के लिए स्पेशल कॉल कर लेना, कॉल फोन, ठीक है, तो वो बढ़िया रहेगा। बाकी गाड़ी जो अभी है ना फिलहाल यही है, इस गाड़ी के अंदर अभी जो चेंज हुआ है वो कुछ यही स्पीकर एंड ये वाले जो अपने डोर पैनल होते हैं सॉफ्ट टच होता है, ये वाला कर दिया भाई ने। एक बार चलते हैं पार्किंग में भी, पार्किंग वाली जो गाड़ियां हैं ना वो सारी भी गाड़ियां आपको दिखा देता हूँ। और भाई लाइनअप देख लो आप लोग यार, एक तो अपनी ग्रैंड विटारा ये है, ये भी सिग्मा मॉडल है, ये भी सिग्मा मॉडल है भाई। इसके अंदर बेसिकली हमने अभी सीट करके और ऑडियो काम किया, ठीक है, और इसके अलावा एक्सटीरियर की बात करें तो एक्सटीरियर में हमने रूफ रेल जेनविन लगाया भाई, ठीक है, जेनविन हमने इसके अंदर 40% डिस्काउंट के साथ आपको डोर वाइजर लगाया है, ठीक है, और साइड बिल्डिंग लगाया भाई, बहुत बढ़िया। और आगे कुछ फ्रंट वगैरह में कुछ नहीं है इसके अंदर? फ्रंट के अंदर हमने इसके अंदर एक 200 वॉट की LED इंस्टॉल की है भाई, जो जीरो ग्रेविटी ब्रांड में रहने वाली है। उसके अलावा भाई इसके अंदर बाहर का कुछ खास काम है नहीं, क्योंकि भैया की रिक्वायरमेंट थी यार मुझे ना क्रोम ज़्यादा पसंद है ना ब्लैक ग्लोज ज़्यादा पसंद है। अच्छा, तो मेरी गाड़ी जैसे ब्लू वाली में, इस गाड़ी की बात करें तो इस गाड़ी के अंदर भाई ऑडियो भी रहने वाली है, हाँ, और इंटीरियर भी रहने वाला है। अच्छा, तो आज हम अपना बेसिकली फोकस इसी गाड़ी, इसी गाड़ी पे करेंगे। और एक वो व्हाइट वाली एक उधर भी खड़ी है, 360 डिग्री की इंस्टॉलेशन के लिए जयपुर से आई थी भाई, वो भी कम्प्लीट हो चुकी है, अभी उसको कैलिब्रेशन के लिए लेके चलेंगे। तो सिर्फ उसमें 360 लगा है? हाँ, उसमें ओनली 360 है और स्पीकर अपडेट। अच्छा, अलॉय इन दोनों में लगे हैं ना? हाँ, एक इसमें अलॉय लगे हैं और एक इसमें अलॉय लगे हैं, ठीक है, बढ़िया चीज़ हो गई भाई। 2 गाड़ी अपने अलॉय वाली हो गई, एक तीसरी डेल्टा अलॉय वाली हो गई, 3 गाड़ी अलॉय की होगी, और एक अपना ये वाली इसमें 360 लग रहा है, इसको भी हम कैलिब्रेशन के लिए लेके जाएंगे, चलेंगे और फिर दिखाएंगे। और भी एक्सटीरियर में भी कुछ काम हुआ इसके अंदर। अच्छा, वो भी हम दिखा देंगे, वो भी कवर। और अभी अगर मैं अंदर की बात करूँ ना, यहाँ पे देखो ये स्टेयरिंग चल रहा है, यहाँ पे काम, ये टैन कलर है ना अपना? हाँ जी, टैन एंड ब्लैक में ना, टैन और ब्लैक हो गया। और बाकी बात करते हैं तो इसमें हाइपरसोनिक का ये लगाया आपने प्लेयर, हाइपरसोनिक के अंदर ये प्लेयर लगे भाई, मॉरल के कंपोनेंट लगे, पीछे कोई मॉरल लगाया, ऐसी बात नहीं है, किसी में दिखाते हैं सभी के अंदर भाई, मोस्टली प्रेफर तो करते हैं मॉरल को। ऑटो फोल्ड रिले या पावर विंडो रिले इंस्टॉल हो चुका, दोनों रिले इसके अंदर हो गए, तो पावर विंडो अपनी, ये तो शीशा अपना ऊपर चले जाएगा ऑटोमेटिक, और शीशा भी फोल्ड होगा,
तो ये बढ़िया चीज़ है। एक बार इस गाड़ी को भी कंप्लीट होने देते हैं, अभी तो गाड़ी कुछ ऐसी खाली खाली सी है, एक बार कंप्लीट होने देते हैं इस गाड़ी को, देन दिखाते हैं। क्यों मंजू भाई? बिल्कुल बिल्कुल। बात करें पैसे की, आज जैसे कि हम कहते हैं ना बेस से टॉप 50,000 रुपये में, हाँ जी, तो हमारी कई गाड़ियाँ ऐसी है जो हमने 50,000 के अंदर भी कवर कर लिया। 50,000 के अंदर कवर कर हम बोल सकते हैं एक तरीके से ग्रैंड विटारा लेके आओ और 50,000 में रेडी करा के है ना, तो बहुत बढ़िया बात है। तो भाई आज अगर आपके पास ग्रैंड विटारा है, सिग्मा मॉडल, डेल्टा मॉडल, तो आप लेके आओ, उसे 50,000 में रेडी करा के आप लोग लेके जा सकते हो। ये बढ़िया चीज़ है। बाकी तो भाई क्वालिटी जो है ना वो यहाँ है, ये दिखती है क्वालिटी, ठीक है ना, क्वालिटी यहाँ पे दिखती है। क्यों भाई, सही कह रहा हूँ? बिल्कुल, क्वालिटी देखने से होता है, मतलब वैसे वीडियो देखने से नहीं होता, आवाज़ सुनने से होता, क्वालिटी एक्चुअल में लगने से होता है। तो एक बार इन गाड़ियों को ना कंप्लीट होने देते हैं, और जैसे उस गाड़ी को 360 लेके जाएंगे तो वो भी दिखा दूंगा आपको 360 कैलिब्रेशन अपन लोग कैसे करते हैं। बाकी इसके सीट कवर से वगैरह काम यहाँ पे चल ही रहा है। इसके अंदर भी है सीट कवर पहले से डले हुए थे? नहीं नहीं, ऑलरेडी हमने इंस्टॉल कर चुके हैं इसको। अच्छा, ये गाड़ी मॉर्निंग सबसे पहले आई थी। हाँ, सबसे पहले आई थी, उसको सुबह सुबह कवर कर दिए थे हमने। अच्छा ठीक है, पीछे वाली सीट दिखाओ एक बार, यहाँ पर भैया बैठे हुए हैं। तो अच्छा, ये आपने मॉर्निंग में कर दिया था? मॉर्निंग 70 मैट इसके अभी इंस्टॉल किए भाई। अच्छा, तो ये इसमें ये वाली कुछ क्वालिटी डाल दी अपने ना। हाँ, ये भैया की कॉम्बिनेशन था लाइट ग्रे के अंदर, एक्चुअली भैया की वाइफ का उनका पसंद था कि भाई मुझे थोड़ा सा लाइट ग्रे लाइट कलर चाहिए। बहुत बढ़िया, तो यहाँ पर ये हो गया। बाकी गेट वगैरह इसके जो है पैनल इसके नॉर्मली है, नॉर्मली है भैया की। एंड्रॉइड इंस्टॉल हुआ है इसके अंदर? एंड्रॉइड हमने जीवा का वही पैल्टियम सीरीज इसके अंदर शो किया, फ्रंट रियर कैमरा के साथ। चलो बहुत बढ़िया। तो ये कुछ गाड़ियाँ भी कंप्लीट हो रही हैं, एक एक करके जैसे जैसे कंप्लीट होती है आप लोगों को दिखाता रहूँगा। इस वाली गाड़ी का काम कंप्लीट हो चुका है, एक बार इसके ओनर से बात करते हैं। कैसे भैया? एकदम बढ़िया भैया। एक बार भैया अपना नाम शेयर कर दो, और कहाँ से आए थे आप? लोकेश सेठिया नाम है मेरा। अच्छा, गुड़गांव से हो सर? कैसे पता चला आपको कार बीच के बारे में, कैसे आया आप लोगों से मालूम चला यार? YouTube से देखा था, काफी YouTube वीडियो देखा आपका। ठीक है, उसके बाद ही मैंने डिसाइड किया यहाँ पर आना चाहिए। तो सर कैसा रहा, आप एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। सुबह टाइम से आया था। हाँ जी, टाइम से ऑलमोस्ट काम खत्म भी कर दिया। बाकी भाई इनके जो सीट के बारे में सबसे हटके लगे हुए हैं, अलग लगे हुए हैं, प्रीमियम जिसे बोलते हैं, गाड़ी का लुक बिल्कुल प्रीमियम आ रहा है ना। प्राइसिंग की बात करें सर, प्राइसिंग कैसी थी? प्राइसिंग ठीक लगी यार, प्राइसिंग एकदम ठीक लगी, बढ़िया लगी ना। मार्केट में ऐसा कुछ नहीं है जो ज्यादा है मार्केट से पूरा बढ़िया है या उससे नीचे ही है। और आपने अलॉय भी डलवाया है इसके अंदर? अलॉय भी डलवाया। बहुत बढ़िया। तो भाई ये कुछ इस गाड़ी का फीडबैक है जो भैया बता रहे हैं। गुड़गांव से अपने भाई आए थे, और भी गाड़ियां अलग अलग जगह से आ रखी हैं, तो जैसे जैसे गाड़ी रेडी होती रहेंगी, ये गाड़ी अपनी रेडी हो चुकी है, जाने को है। जैसे वो गाड़ियां रेडी होंगी आपको वो वाली गाड़ी में दिखाते रहूंगा। फाइनली रेडी हो चुकी है अपनी गाड़ी भाई, अब देखो कितनी ज्यादा बढ़िया लग रही है। तो इसमें बढ़िया लगने वाला क्या क्या सीन है वो तो मंजे भाई बताएंगे हमें। मंजे भाई क्या क्या चीज़ है इसके अंदर जो हमने बढ़िया करा है? भाई इस गाड़ी के अंदर एक जो बेस से टॉप का जो सेटमेंट है 50,000 से 60,000 रुपये वाला, हाँ जी, हमने उतने तक के काम किए हैं। एक्सटीरियर में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी इस गाड़ी के लिए, हमने उसी चीज़ को इंस्टॉल किया। तो हम तो सबसे पहले यहाँ पे हेडलाइट पे हेडलाइट को क्रोम हो गया, और इसके अंदर 180 जीवा की एलईडी हो गई। बहुत बढ़िया, प्रोफाइल के अंदर डाला भी इतना ही काम है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर देख लो भाई, फ्रंट साइड में भाई ने यहाँ पे क्रोम लगा दिया, उसके बाद 180 वॉट की एलईडी लगा दिया। तो फ्रंट में तो इतना ही होता है, साइड में अपने एक अलॉय लग गए हैं। हाँ ना, पार्किंग में गाड़ी खड़ी थी तो थोड़ी सी मिट्टी थी वहाँ पे, तो हल्का सा आप डस्ट देख रहे होगे, लेकिन भैया की गाड़ी एकदम ओके है। भैया कहते गाड़ी हम घर जाके अपना बढ़िया से धुलवा लेंगे ना। ठीक है, ये नेक्सा जेन्युइन है? ठीक है, ये नेक्सा जेन्युइन है, और ये वाला आफ्टर मार्केट 6 पीस। अगर आपको ना जेन्युइन लगवाते हो तो सिर्फ आपको ये पीस मिलता है, ये वाला नहीं मिलता है। आफ्टर मार्केट में तीनों पीस मिल जाते हैं आपको ना। ठीक है, और क्या क्या लगा भाई? डोर हैंडल। ठीक है, ये हमें किसी और कलर में ही मिलते हैं या सिर्फ क्रोम में ही मिलते हैं? क्रोम के ऑप्शन से। बहुत बढ़िया, और ये साइड फिटिंग होगी अपनी? फिटिंग होगी क्रोम विद क्लोज ब्लैक के साथ। क्रोम की बात करें तो भाई एक डार्क क्रोम आता है, हाँ, जो आपके 3390 रुपए की एमआरपी आती है। ठीक है, इसकी 2590 रुपए की एमआरपी आती है, इसमें 40% प्लैटिनम कर देते हैं। ठीक है, और बात करते हैं बैक साइड में, यहाँ पर क्या क्या लगा दिया भाई आपने? एक एलईडी क्रोम इंस्टॉल कर दिया भाई। ठीक है, जो आपको 40% डिस्काउंट के साथ रहने वाला है। 40% तो आपका नेक्सा जेन्युइन जितने भी पार्ट है सब में, सब पे 40% है ना। ठीक है, पीछे एक रियर गार्ड इंस्टॉल किए हैं। हाँ जी, तो रियर गार्ड का फायदा भाई? रियर गार्ड का फायदा यही है कि भाई अगर आप किसी क्राउड वाली इलाके में चल रहे हो तो आपको रिक्शे वाला और बाइक वाला स्कूटर वाले से इसकी प्रोटेक्शन हो जाती है। ठीक है, जो कि आपके पीछे की बम्पर्स है वो सेफ रहेगा। तो ये लगेगा नहीं पीछे, जो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बाइक लेके चल रहे हैं, ठेला लेके चल रहे हैं, रिक्शा लेके चल रहे हैं, वो लग जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जान बुझ के मारते हैं, लग जाता है, ब्रेक नहीं लगती है, हम सडनली ब्रेक मार लेते हैं, कुछ भी होता है। और ये अपना रिफ्लेक्टर क्रोम हो गया, ये वाला अपना टेल लाइट क्रोम हो गया, और यहाँ पर भी एक क्रोम लगवा सकते हो आप। ऑप्शनल है, शॉर्ट था तो भैया को हम नेक्स्ट टाइम के लिए। ठीक है, एक बार डिक्की खोल दो, इसमें कुछ लगाया हमने बूट लाइट के तौर पे? बूट लाइट लगाया। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री तो आप हमेशा देते हो, ये तो भैया का सामान पड़ा है। बूट लाइट लगाया। यहाँ पर बूट लाइट लग चुकी है,
यहीं से बंद यहीं से चालू हुआ ना, मैंने इनको डोर पे कर दिया। अच्छा, अब ये डिग्गी पे बंद हो जाएगी ना, डिग्गी हमने बंद करी तो हमें दिखाई दे रही है बंद हो चुकी है। अब लाइट कुछ भी नहीं पड़ रही है। इसमें पार्सल ट्रे वगैरह कुछ डाली भैया? नहीं, पार्सल ट्रे वगैरह क्या है, लोडिंग का काम है कुछ। अच्छा, सामान इन्होंने रखा हुआ वैसे ऑलरेडी इतना, लेकिन गाड़ी का लोडिंग के बाद भी इतनी ज्यादा प्यारी बना दी है ना भाई गाड़ी में। अगर मैं आगे वाले गेट से बात करूँ तो यहाँ पर भाई अब क्या क्या लगा दिया आपने, यहाँ पे इस वाले गेट में क्या क्या काम किया? एम्बिएंट लाइट का काम तो है नहीं इसमें, एम्बिएंट लाइट का काम है नहीं इसमें, डैम्पिंग का काम हुआ नहीं है। हाँ जी, मोस्ट रिक्वायर्ड जो इंटीरियर का काम था वो हमने इसके अंदर प्रॉपरली किए, ठीक है। तो जिसमें इंटीरियर हमने टैन कलर के साथ कॉम्बिनेशन किए, काफी सारी वीडियोस में भाई ने पहले भी देखे होंगे, सारी व्यू हो सकती है। इस गाड़ी के अंदर भी हम कुछ इस तरीके की इसकी भाई ये देख रहे हो कितनी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। ये वाला जो गेट है ना सच में बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहा है बिकॉज ऑफ दिस कलर। हाँ, लोग वो जो कलर करवा लेते हैं ना कंपनी वाला, मेरे को तो अलग से कलर अगर इसे व्हाइट कर दो, रेड कर दो, समथिंग नीला कर दो या कुछ और कलर कर दो तो वो ज्यादा बढ़िया लगता है एज कम्पेयर टू जो लोग कंपनी वाला करवा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ आप किसी और कलर में स्विच करो ताकि मजा आए गाड़ी के इंटीरियर में भी, है ना। सेम सबकी गाड़ी सेम हो जाएगी तो फिर क्या ही फायदा, सारी ग्रैंड विटारा सेम हो जाएगी। तो हाँ, अपना अपना जैसे ही बताओ, चाहे इसे डुअल टोन में करा लो, चाहे वैसे कैसे भी करवाओ, चाहे आप येला कलर डुअल टोन में भी हो सकता है, ये भी डुअल टोन में हो सकता है। आप चाहो तो इसको टैन करा सकते हो, तो इसको ब्लैक करा सकते हो। हाँ, ऐसे ऑप्शनल हो, कुछ भी हो सकता है। तो भाई ऐसे कुछ आप इसको चेंज करा सकते हो। और बाकी आप देखो जन्नत वाला सीन जो है ना वो ये है, ये गाड़ी में पूरा जन्नत वाला सीन देता है आपको, क्योंकि डैशबोर्ड भी भाई ने, ये हमारा कस्टमाइज है, ये कस्टमाइज है ना, ये ऐसा नेक्सस यूनियन पार्ट नहीं, नहीं नहीं, ये हमने कस्टमाइज किया उसी पार्ट के, ठीक है। उसके साथ भाई अपने ये वाले पार्ट भी कस्टमाइज करवा दिए भाई ने, जहाँ पर आपको ना कहीं इशू कहीं से कहीं तक ना आपको कोई इशू आपको नजर नहीं आएगा देखने के लिए। देख रहे हो कितना ज्यादा बढ़िया, बिल्कुल वैसे ही पार्ट है जैसे कि आपको नेक्सा जोन में मिलता है। लेकिन मंजे भाई की एक आदत अच्छी है कि वो 1% फिर भी बोलते हैं कि भाई कहीं अगर 1% कुछ होता है तो उसके लिए कान पकड़ते हैं, लेकिन जेन्युइन है सारी चीज। जो चीज देखो यार, जो कंपनी के काम होता है, जो जेन्युइन पार्ट है, वो आपको 100% सर्टिफिकेशन दे सकता है। जो आफ्टर मार्केट है वो 99% आपको सर्टिफिकेशन दे, 1% की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। मैं नॉट श्योर कि मैं आपको 100% सर्टिफाइड कर सकता हूँ, बहुत बढ़िया 99% सर्टिफाइड मैं करूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और यहाँ देखो भाई सीट कवर की क्वालिटी की बात करूँ तो कुछ ऐसे सीट कवर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ये देखो भाई कितने सीट कवर की बात करूँ तो कुछ ऐसे सीट कवर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ये देखो भाई कितने ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं। ये देखो नीचे से ऊपर तक कहीं से कहीं तक देख लो, ये भी डुअल टोन में आपने दिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। एक बार भाई गाड़ी के अंदर आ जाओ आप भाई, आप इसका ना स्टेयरिंग भी चेकआउट कर लो। मंजे भाई को बिठा दिया, मंजे भाई फील कैसा है भाई? बता नहीं सकता, कस्टमर कलर है और ये कस्टमर ही बताएंगे। अट्रैक्टिव कलर भी है और जो ये देख रहे हो हल्की सी लाइट चल रही है ये पीली वाली, और इसके ऊपर जो लग रहा है ना देख रहे हो, मैंने फ्लैश कुछ भी ऑन नहीं कर रखा, लेकिन उसके बाद देख रहे हो जो चीज आ रही है ना ये देखो। अब आप कहोगे बहुत जल्दी क्यों हिलाता है भाई कैमरे को, तो भाई वो करना पड़ता है क्योंकि आगे से पीछे तक आपको सारी चीजें दिखानी पड़ेगी। तो देखो कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है, पीछे की सीट देख लो काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है, ठीक है। कहीं से कहीं तक देख लो, आमर चेकआउट कर लो, कहीं कोई सिलवट वगैरह समथिंग कुछ भी नहीं। वो तो सीट को उसके देखो भाई, बहुत पुराना काम है अपना, तो सीट को उसके हम तो पूरी कोशिश करते हैं कि 100% सर्टिफिकेशन देते हैं। बहुत बढ़िया। उसके बाद भाई अगर स्टेयरिंग की बात करें तो देखो डुअल टोन है भाई ने, मून डिजाइन में स्टेयरिंग भी कर दिया, ये वाला पार्ट भी कर दिया, छोटा सा पार्ट है लेकिन फिर भी उसको करवाया गया, ये वाला पार्ट भी करा भाई। हम जब जेन्युइन डलवाते हैं तो ये वाला पार्ट आता है उसके अंदर, ये पार्ट नहीं आता। तो इसमें ये बेनिफिट है कि अगर आप कंपनी वाला ना कराकर मंजे भाई से करा रहे हैं तो ये वाला पार्ट और तीसरा पार्ट, तीनों पार्ट करके और दो साइड वाले भी, ये कंपनी ये देती है नहीं, ये भी नहीं देती, ये आप करके देते हो इनके साथ में ना। बहुत बढ़िया। तो ये देख लो और ये देख लो, मतलब ये चार पांच पार्ट है बेसिकली ये वाले। उसके बाद आपके एसी वेंट आ जाते हैं, एक ये वाला जो पियानो कर दिया, एक सेंटर वाला पियानो कर दिया, सेंटर कंसोल आपका जो आता है फ्रेम म्यूजिक प्लेयर का वो भी कर दिया, और साथ में आपका ये कॉर्नर पे जो आपका एसी वेंट है ये वाला। तो कुछ इस तरीके से गाड़ी भाई रेडी होती है, और गाड़ी का जो मजा है ना भाई आप खुद देख लो कितना ज्यादा बढ़िया फील है, सीट कवर से लेकर कहीं से कहीं तक का कोई भी फील देख लो आप, एक नंबर आपको लगेगा भाई। और ये आमरेश का जो कलर है ना भाई ने ये भी चेंज कर दिया है, देखो लग रहा है कुछ ज्यादा बढ़िया, एक फील जो है ना वो पूरी बरकरार है गाड़ी की ब्लैक एंड टैन कलर में। सीट कवर भी हमारे सेम कलर के अंदर भाई ने कर दिए हैं, और हर जगह जाए आप गेट भी देख लो तो ये भी ब्लैक एंड टैन में हो गया, डैशबोर्ड ब्लैक एंड टैन में हो गया, सीट कवर्स भी ऐसे हो गए, गाड़ी की एक थीम बन गई ब्लैक एंड टैन। बिल्कुल बिल्कुल, थीम बन गई भाई, और भैया को काफी ज्यादा पसंद आया क्योंकि उन्होंने वीडियोस देख के आए थे हमारे पीछे सेम कोई कंटेंट का। अच्छा, तो उन्होंने आते पहले कहा कि भाई मुझे वही कंटेंट का इंटरेस्ट है। अच्छा, बात करते हैं इस प्लेयर की, तो इस प्लेयर में क्या क्या लगा दिया भाई आपने? 232 हाइपरसोनिक रहने वाला है, ठीक है। तो इसमें अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ तो बढ़िया आपने इसके अंदर मोरल लगाया था ना स्पीकर, स्पीकर कॉम्पोनेंट और कोएक्सल मॉडल की दो। हाँ जी, तो एक कम्बो है और साथ में आपका हाइपरसोनिक 9 इंच, तो उसकी आवाज सुन सकते हैं हम? ऑब्वियसली भाई, बिल्कुल। बहुत बढ़िया भाई, आवाज का मजा लो आप एक बार।
भाई सारी बीट वीट जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट आ रही है, काफी ज्यादा बढ़िया फील आ रहा है साउंड के मुकाबले, बहुत अच्छी आवाज है भाई। इस गाड़ी कंप्लीट है, एक बार बात करते हैं गाड़ी के ओनर से, कैसे हो भैया? बढ़िया भैया। एक बार भी अपना नाम शेयर कर दो, कहाँ से आए थे? मोहम्मद इरफान, मुरादाबाद से आए भैया। मुरादाबाद से आए थे यार, काफी दूर दूर से लोग आते हैं यार। कैसे सर, कैसे रहा कार बीच पे आना? बढ़िया, जैसा देखा था वैसा ही। सेम यूट्यूब पे देखा था आपने भी सब कुछ, प्राइसिंग एंड ऑल सब कुछ कैसा लग रहा है? एक नंबर। आप तो मतलब जवाब भी आपका एकदम है ना, अरे कोई दिक्कत नहीं है, सारा कुछ कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, सब ए टू जेड, इंटीरियर मजा आ रहा है, लग्जरी है पूरा। चलो भाई बहुत बढ़िया, भैया का फील ही अलग है यार। बाकी आप लोग भी आ सकते हो भाई कार बीच पे, जो कि भाई कुछ इस तरह का आप काम करवा सकते हो। बाकी भाई आप लोग भी आ सकते हो कार बीच पे अपनी ग्रैंड विटारा को लेके, जो कि भाई दिल्ली में करोल बाग में भाई की शॉप है, काफी अच्छा काम करते हैं अपनी ग्रैंड विटारा के अंदर। आपने देख ही लिया है जो गाड़ी का लेवल है ना, देखो बाहर से कितनी ज्यादा बढ़िया लग रही है। तो आप भी अपनी ग्रैंड विटारा को लेके आ सकते हो और करवा सकते हो कुछ इस तरह की मॉडिफिकेशन विद बेस्ट प्राइस के साथ। इस वीडियो के अंदर आपको दो कस्टमर्स के रिव्यू मैंने आपको दिखाए हैं, चार गाड़ियां दिखाई है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे और आपको कहां पे आना है, आपको आना है कार बीच पे। खत्म करते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं फिर किसी एक नई ग्रैंड विटारा के साथ। टिल देन पीस आउट।